दरभंगा अयोध्या वंदे भारत का ट्रायल 24 को श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व माता सीता के मायके से ससुराल तक चलेगी ट्रेन। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व दरभंगा अयोध्या रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल 24 को होने जा रहा है। खरमास यानी 14 जनवरी के बाद से ट्रेन के नियमित परिचालन की संभावना जताई जा रही है। इस ट्रेन की रफ्तार वैसे तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, वैसे ट्रैक की मजबूती को देखते हुए फिलहाल यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन से पूर्व माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी से अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल होने जा रहा है। 24 दिसंबर को दरभंगा से ट्रायल में यह ट्रेन चलने वाली है। खरमास यानी 14 जनवरी के बाद से ट्रेन के नियमित परिचालन की संभावना जताई जा रही है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन अधीक्षक सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन ट्रायल से पूर्व तैयारी के निरीक्षण के लिए 22 दिसंबर को हाजीपुर रेल महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। विशेष सैलून से 10:15 बजे उनका काफिला यहां पहुंचा। ट्रायल में चलने वाली इस ट्रेन में वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सुरक्षा अधिकारी सवार होंगे। इसके साथ ही ट्रेन के मार्ग की निगरानी तीनों जोन के महाप्रबंधक DRM और वरिष्ठ परिचालन महाप्रबंधक द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उसके पूर्व मिथिला से अयोध्या तक सीधा रेल यात्रा की शुरुआत हो किसी सौगात से कम नहीं। जिस दिन यह ट्रेन नियमित तौर पर चलना शुरू करेगी उस दिन सीतामढ़ी सहित सभी स्टॉपेज पर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री सांसद मेयर विधायक समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहेंगे। इस ट्रेन की तमाम खासियत है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुश पुल तकनीक से तैयार की गई है। इसका फायदा यह होगा कि पुश पुल तकनीक में ट्रेन के आगे और पीछे लोकोमोटिव होते हैं, आगे वाला इंजन ट्रेन को खींचता है और पिछले वाले को धक्का देता है, जिससे ट्रेन की रफ्तार तेज से बढ़ती है। तकनीकी भाषा में इसे पुश पुल लोकोमोटिव कहा जाता है। इस ट्रेन की रफ्तार वैसे 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस रूट पर रेल ट्रैक को भी मजबूत करना होगा, मगर वह फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए ट्रेन की गति नहीं, ट्रैक की क्षमता के अनुसार स्पीड अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे ही हो सकेगी।